रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज हमने क्या बनाया है? फिश, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, तो सबसे पहले इसको आपके सबसे पहले आपको फ़िश बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ़िश चाहिए, है ना मम्मी? सबसे पहले फ़िश ही चाहिए, जाहिर है। इसके बाद 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने गार्लिक पेस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट, और यहाँ पर इमली का पल्प। 1 टेबल स्पून इमली ले ली थी भरकर, जिसको हमने भिगो के रख दिया था ताकि ना वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद उसका सारे जो सीड्स से उसको अलग कर लिया यानी रिमूव कर लिया, और उसके बाद 1 लेमन का जो जूस था वो उसके अंदर डाल दिया, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सूखी मेथी जो थी ना, कौन सी, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है जिसका कसूर है ना उसकी, वो वाली मेथी आप उसके अंदर हाथों से मसल कर इसके अंदर डाल दें, उस तिनके वगैरह निकाल दें ताकि वो अच्छे नहीं लगते हैं ना, बस इसे मसलेंगे ना तो उसके छिलके वो जो पत्ते वगैरह झड़ जाएंगे और उसकी ना डंडियाँ रह जाएंगी। हाँ, इस तरह करने से ना, और ये मछली पे कट जरूर लगाएं आप लाजमी ना, इससे मसाला ना अंदर जज्ब होता है। हाँ, ये अंदर तक ना जो इसका जो मसाला है ना वो अंदर तक एब्जॉर्ब करती है, जिससे बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। मसाला रखें ज़रूर जी, मैरिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको पूरा दिन के लिए रख दें तो बहुत बेहतर है, या ओवरनाइट ना, बस इतना ज़रूर करें, और अगर इतना टाइम नहीं है तो 1 आवर के लिए तो बिल्कुल रखें ना मम्मी। हाँ, 1 घंटा तो लाजमी रखें ना, इससे भी कम रखेंगे तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा इसमें। हाँ, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसके बाद हम जो सारे जो हमारे इमली वाले और जो सारे स्पाइसेस थे वो हम इस पर लगा देंगे, और बहुत मज़े की रेसिपी, आपने ये रेसिपी पूरी देखनी और बहुत मज़े की ट्राई ज़रूर करनी आपने ये रेसिपी। सर्दियों में मछली ना खाएं तो मज़ा ही कहाँ आता है। बिल्कुल। अब मुझे तो कल लगा कि विंटर स्टार्ट हुए, क्योंकि हमने सब्जियों सर्दियों में पहली दफ़ा मतलब मछली खाई है ना। हाँ, जब से वहाँ ये सर्दी अभी यहाँ पे पड़ी, कभी अभी तो थोड़ी सर्दी पड़ने लगी, तो ज़ाहिर है थोड़ी सर्दी में ही मछली का मज़ा आता है, गर्मियों में तो मछली खाओ और पसीने आने लगते हैं। मछली निकल गया, क्या करें, बांग्ला बन गए थे हम लोग, हमें बांग्लादेशी मछली खा के हमें बांग्लादेशी बन गई है। अच्छा, हमें कौन सी मछली हमें पता चला है, हमारे ही गली में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हमारे पास आते हैं, गली में रहते हैं, वो बंगाली हैं और वो मछली नहीं खाते और चावल भी नहीं खाते। हाँ, पता नहीं कौन से बंगाली है, कौन से बंगाली हो आप लोग जो आप मछली नहीं खाते, वो खाते ही नहीं, फिर चावल भी नहीं खाते। बहुत कम हमारे घर चावल बनते हो, और मैं तो कह रही हूँ हम बंगाली नहीं और हम चावल बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा, तुम तो बहुत खाते हैं। इस मछली के ऊपर ना आपने ना बेसन नहीं लगाना, आटा लगाना है, आटा लगाना है। बेसन वाली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम जो हैं हम ऐसे वैसे नहीं हैं, बचपन से मछली खाते हुए आ रहे, शिकारियों की बेटी हूँ, ससुर भी शिकारी था, बाप भी शिकारी, लेकिन शिकारियों की बेटी हैं, शिकारी हम यहाँ भी शिकारी। एक मरता हुआ मैंने भी एक फिश पकड़ी थी, मेरा भी नाम शिकारियों में शामिल है। आप भी शिकारी हैं? हाँ, चलो मैं भी शिकारी हूँ, क्योंकि हमें बताएं वो पूरा सीन बताएं ना। वो हम लोग गए थे घूमने गए थे ना, तो वहाँ पे ये लोग फिशरी साइड पे, हमारी तरफ ना क्यावंसी में कोई फिशरी साइड बनी थी ना, वहाँ पे ना अब तो बड़े बड़े जहाज वगैरह आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, किसी की सोच से गए थे हम लोग। वहाँ जाके ना अब इनके बाबा ने ना मछली की डोर डाली, मेरी नई शादी हुई थी, डोर डाली तो इतने में देखा फौजी आ रहे थे वहाँ, फौजी सारे फौजी हैं, छावनी टाइप का ना बना हुआ है। अब मैं वहाँ जाके ना इन्होंने फटाफट डोरें मेरे हाथ पे दी, अब मेरे हाथ में डोर आती मछली लग गई, मैं खींच रही हूँ, मुझे तो इतना खौफ आ रहा है, मैं कह रही हूँ ये तो मुझे खींच रही है, मैं तो कह मैं शायद कितनी बड़ी मछली लगी है, वो तो आधा पाव की पापलेट थी। आधा पाव? हाँ, और मुझे ऐसा लगा कि कितनी बड़ी फिश मुझे लगी है ना, तो बस मैं कहा चलो ठीक है, सबके साथ मेरा भी निकाम नाम जो है मेरा शिकारियों में हो गया कि मैंने भी शिकार खेला। उसके बाद बताएं तो ना आपको क्या बोला था। हाँ, वो आगे कह रहे हैं यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं आप लोग, वो कह लेंगे नहीं है, इन्होंने कह चलो ठीक है ये बच्ची खेल रही है तो खेलने दो, अम्मी का बच्ची बना दिया। और अभी भी ऐसा होता है कि जब कभी कोई कॉल आ जाती है ना किसी स्ट्रेंजर की, जैसे कोई पापा के फ्रेंड वगैरह की जैसे आ रहे थे, हमारे लिए तो स्ट्रेंजर ही होते हैं वो, तो वो कहते हैं अम्मी को आते तो बेटा पापा को कॉल देना, और जब मैं होती हूँ ना तो मुझे बोलते हैं कि इमरान को कॉल दिएगा भाभी, मुझे ऐसे कह देते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं शायद, पता नहीं आवाज़ से धोखा खा जाते हैं शायद। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी शायद मुझको भारी लगती होगी, है ना अम्मी, हो सकता है कोई ना कोई मसला है। और अभी कोई अगर कोई गली का भी आ रहा था ना तो वो भी भाभी बोल देते मुझे, बाहर कोई आ और अम्मी को बेटा, क्योंकि बेटा पापा को भेजना, मैं इतनी शर्मिंदा सी हो जाती हूँ, क्या अम्मी को बेटा बोल देते और मुझे भाभी
भी ये लोग मेरा इतना मजाक बनाते हैं ये लोग बहुत। और फिश खाने का मजा, चले हम फिश की बात बता रहे थे, अच्छा फिश खाने का मजा ना बिल्कुल गरम गरम, आपने जैसे फिश बनानी है फौरन से चीट वगैरह लगा लें अपना दस्तरखान वगैरह तो फौरन बैठ जाए, और साथ में चपातियाँ, और साथ में मैंने बहुत मज़े की चटनी बनाई थी, कौन सी अम्मी? हाँ साबुत मिर्च लहसुन जीरे की चटनी बनाई थी, बहुत मज़े की, इमली की ना बहुत मज़े की, मैंने तो केचप से चखी नहीं, इतनी मज़े की चटनी थी वो। चटनी से अच्छी लगती है ज़रूर, क्योंकि फिशिंग वगैरह पर ज़्यादा मिर्च कितनी भी लगाओ लेकिन कम ही लगती है, फिर चटनी के साथ खाओ तो बहुत मज़े की लगती है। और ये देखो हमारा सर प्राइज, ये मेरा भाई हमारे लिए देकर आया था। अच्छा हुआ ये था कि ना चैजप में बहुत अच्छी सेल लगी थी, है ना अम्मी? हाँ सेल लगी हुई थी, उसका फ़ोन आया कहने की मम्मा सेल लगी हुई है, जूती है पर्स बैग वगैरह हैं, और मैंने कहा चलो ठीक है मैं इनका लेके आओ ना, तो मैंने तो एक बस एक अपने लिए मंगवाई थी, एक मनहल के लिए मंगवाई थी और बस ना, और एक बैग बोला था पर्स छोटा जो है ब्लैक कलर का, मैंने ये बताया था। और फिर मेरा बेटा, तो फिर चार लेके आ गए स्लीपर ना, कह रहे मैं मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैं आपके लिए और भी ले आया मैंने। अच्छा ये देखने में इतनी ज़्यादा मुझे इतनी अच्छी लगी, जब मैं पहनी तो बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर एक बैग आशा के लिए लेके आ गया था, लेकिन वो लेकिन आज तो अभी भाई का कॉल आया था, अभी था मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भाई कह रहा था कि वो वाला बैग ना बस मनहल को दे दो, वो भी खैर मेरा हो गया, लेकिन अब आयशा के लिए वो और भी अच्छा लग रहा है। वो आया था मनाहिल के लिए ही आया था, लेकिन वो कि अब छोटी बहन है ना ज़रा वो बहुत ज़्यादा लाडो की है, तो उसको वो क्या है मेरी बहन वो कहेगी कि मेरे लिए कुछ लेके नहीं आया, तो इसलिए वो कह लेंगे ये बैग इसका हो गया। लेकिन फिर बड़ी वाली की तरफ से देख रहा था तो वो बहुत हो रहा था कि नहीं ये बैग तो इसी के लिए होना चाहिए था बड़ी वाली के लिए, तो कह लेंगे चल ठीक है ना अम्मी, कहते ये वाला बैग इसको दे दो, मैं आयशा के लिए दूसरा लेके आई हूँ। अभी अभी कॉल आई है उसकी, अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट दिखाएंगे कि कैसा बैग लग रहा है। बहुत ज़्यादा शर्मीला है वैसे मेरे भाई, मैं तो दिखाना चाह रही थी कि मैं फेस दिखा दूँ, लेकिन अगर दिखा देती ना वो फिर मैं बहुत चुपके चुपके दिखा देती हूँ, कभी उसको पता नहीं करता। दिखाते हैं बच्चों के फेस, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। लड़कों का क्या है, लड़के तो दिखाना है। पिशोरी पठान है ना, मैंने कही अपने फेस कब दिखाएंगे, क्या खस्तड़े पठान, मैं कहती हूँ पिशोरी खस्तड़े, मैं बताना नहीं चाह रही थी, मेरी बेटी ने बोल दिया पक्के कट्टर टाइप के पठान है वो भाई, तो अपना चेहरा नहीं दिखाते, मैं लड़कियों की तरह तो लोगों का है, हम लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते, आप लोग तो दिखा दो, कहते नहीं फिर भी हमने बाज नहीं आते, हम तो चुपके चुपके दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। हाँ हमें कहीं कहीं दिखा देते हैं, अब क्या कह सकते हैं, आप कौन हमारी पूरी वीडियो, वो कौन सी पूरी पूरी वीडियो देखेंगे हमारी, वो भी थोड़ी सी देख लेते हैं बस, उनको पता नहीं चलता कि कहाँ उनका फेज आया। और वैसे ही वो लड़कों के पास मोबाइल होता तो उनके अपने ही टुंटे इतने होते हैं कि उनके अपनी लाइफ के इतने टंटे से होते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, उसी में लगे रहते हैं, उनको क्या मतलब हमारी वीडियो से, बस ये कि लड़ झगड़ के हमने ये चैनल ही शुरू करा है उनसे, बस यही चल रहा है, तो बस अल्लाह पाक चलाए रखे परवरदिगार, और आप लोग सपोर्ट करें हमें। हाँ दुआओं में याद रखें, बस सपोर्ट नहीं करें ना आप, दुआ जरूर करें हमारे लिए ना कि हमारा चैनल ये चल जाए, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है हमें, बिल्कुल दुआ करा करें, बहुत अच्छा। अच्छा ये मैंने देखा कि ये प्लेटफॉर्म ना दुआओं के लिए बड़ा अच्छे, लोग दुआएं करते हैं, बहुत करते हैं, और कुछ नहीं पता कि किसकी दुआ कबूल हो जाए। शायद हम आपको ये नहीं बोलेंगे आज की वीडियो आप सब्सक्राइब भले नहीं करें, दुआ जरूर देके जाएगा। हाँ दुआ जरूर कर लिया करें, कभी भी देखें तो दुआ जरूर करा करें ना हमारे लिए। और ये बस अभी भी बैग लेके आए तो मैं गुस्से कर रही थी, मेरे बेटा अभी तो लेके तो आयो, आप क्यों लेके आ रहे हो यहाँ पर। मैं चेक कर रही थी कि ब्राउन वाली स्लीपर ज़्यादा अच्छी है वाइट वाली, आप कॉमन में बताइएगा कि कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है, कौन सी इसके पाँव पे कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है बता दें। मुझे तो वाइट भी अच्छी लग रही थी, ब्राउन भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन आप लाजमी बता दीजिएगा कि कौन सी अच्छी लग रही, क्योंकि मैं ब्राउन मुझे भी अच्छी लग रही थी। अम्मी मतलब आपकी नज़र है इस पर। हाँ तो चलो देखते हैं ना, जो चलो जो आपके लिए बोला गया ना जब आप वही पहनना ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सफाई करने आए थे और मैंने कहा मैं चुटकियों में सफाई कर लूँगी। हाँ आज ये चुटकियाँ बना के सफाई करने के लिए, चुटकी बजाते ही देखना हमारा रूम कैसा साफ हो जाएगा। और ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल। हाँ ऐसा होता है कभी कि चुटकी बजाते कोई जिन थोड़ी हो आप लोग, चुटकी बजाए यूँ फ्रेश हो, काश के होते। हाँ आप लोग को तो यही होता है ना कि जिन होते, शुक्र करो अल्लाह का इंसान हो ना, अशरफुल मखलूकात हो आप लोग, पता है। और हम लोग भी हम नहीं अभी आप बोलिए मतलब हम इंसान है आप अशरगुल मतलब आप जिन्नात नहीं नहीं हम भी आप क्या मैं तो काम करती हूँ तो आप लोग जिन्नात ही बोलते हो वैसे मुझे, तो मैं क्या करूँ, इसलिए अपने आप को अशरफुल मखलूकात कम ही समझती हूँ, जिन्नात ज़्यादा समझने लगी हूँ आप लोगों के बकौल आप लोगों के। हाँ मैं सफाई करती हूँ तो 2 घंटे में पूरे घर की सफाई होती है, और अम्मी सफाई करती तो आधे घंटे में कैसे कर लेती हूँ। बस जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं हम लोग, मतलब कैसे हमारे हाथ क्यों नहीं चलते इतनी जल्दी, पता नहीं क्यों, बस मैं तो फटाफट कर लेती हूँ ना, मेरा तो काम कितनी, बस हम भी तो वाकई में जिन्नात है ना, मैं फटाफट सारे। मैं आपको कब जिन्नात बोल दिया, क्या हो गया, तो मुझे बैड कमेंट्स आएंगे ना। ये कहते हैं कि जिन्नात मतलब आपके साथ जिन्नात है कि जो आपके साथ हेल्प करवाते हैं ना, तो मैं क्या करूँ, मैं तो अकेली काम करती हूँ इसका यही रहता है मेरे साथ ना, बस मैं कहती हूँ नहीं बेटा इंसान खुद हाथ थोड़ी शायद लेजी हूँ
आपको खुद ही फील हो रहा है ये। अब मैं क्या करूँगा अगर आप मेरी बेइज्जती करेंगे तो सच में खुद ही बेइज्जती कर दूँ। मैंने सोचा किसी की बेइज्जती करने से अच्छा खुद ही कर ले बंदा। सफाई करता है को 2 घंटे भी किसी को लगते हैं सफाई करने में, मुझे तो बिल्कुल डीपली करती हूँ ना। आता है बेशक क्योंकि वो हमारी क्या रफली होती है, हम रफ करते हैं क्या, फिर भी मतलब कुछ ज़्यादा ही डीप में चली जाती है, इतनी डीप में चली जाती है कि खुद ही डूब जाती है उसके अंदर। ऐसा लगता है कितना टाइम लगा लेती है, हम कहते हैं बस अब जल्दी बाहर भी आ जाओ इसमें से।